इसराइल हमास के बीच कुछ दिनों के युद्ध के विराम के कारण बंधकों की रिहाई संभव हो सकी। गाजा में बंधक बनाए गए थाई नागरिक मंगलवार को अपने घर पहुंच गए। आतंकी हमास की कैद से आजाद होकर घर पहुंचे लोगों को देख परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि गाजा पट्टी में हमास आतंकियों की कैद से रिहाई हुए 6 थाई नागरिकों का दूसरा समूह सोमवार को घर पहुँचा। बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर नागरिकों की लैंडिंग हुई। महीनों की यातनाओं के बाद परिजनों को बंधकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने आप को रोक नहीं सके और भागकर परिवार को गले से लगा लिया। परिजन भी बहुत खुश हैं। हालांकि एक नागरिक के पेट में चोट है। बंधक बनाते समय आतंकियों के साथ झड़प में यह चोट आई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैद से रिहा हुई ओवाट ने थाईलैंड और इसराइल की सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर वापस आकर बेहद खुशी हो रही है। थाई सरकार के अनुसार हमास के आतंकियों ने 39 थाई नागरिकों की हत्या कर दी है, साथ ही 32 थाई मजदूरों का अपहरण कर लिया है। बता दें, पहले समूह में 17 थाई बंधकों की रिहा किया गया था। 9 थाई नागरिक अब भी आतंकियों की कैद में है। हमास ने कहा कि ये यरूशलम में अला अक्सा मस्जिद को इसराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रैंड फेक इसे अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इजरायल सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील की है कि इजरायल के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दे। हमाद ने कहा कि इसराइल एक अच्छा पड़ोसी और शान देश कभी नहीं हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के श्रम मंत्रालय के अनुसार लौटने वाले में से एक को हमास द्वारा पकड़े जाने के दौरान पेट में चोट आई। युद्ध से पहले लगभग 30,000 थाई मजदूर इसराइल के कृषि क्षेत्र में काम करते थे। इनमें ज्यादातर देश के ग्रामीण इलाकों के हैं, जिसमें वे देश के सबसे बड़े प्रवासी श्रमिक समूहों में से एक बन गए। कई लोग अपने परिवार को घर वापस पैसे भेजने के लिए उच्च वेतन की तलाश में इसराइल गए, जहाँ कुछ अकेले प्रदाता हैं। अब तक 9,000 थाई लोगों को वापस लाया जा चुका है। जहां गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों द्वारा रिहा किए गए थाई बंधकों के दूसरे समूह को सोमवार को घर लाया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में संदर्भ में जानकारी दी। 6 थाई किसान श्रमिकों के परिवार बैंकॉक के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे पर अपने प्रियजनों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। 40 वर्षीय ओवाट सुर्याशी ने थाईलैंड और इसराइल की सरकारों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे यहाँ वापस आकर खुशी हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।